पहले हम टेस्ट कर रहे हैं दही बड़ा, ठीक है। दही बड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, है ना, मतलब इतना सॉफ्टनेस मेरे को कभी किसी दही। चलिए अब टेस्ट करने की बारी है इसकी। ये हाँ, ये कचौरी है। मैंने बर्फ़ के गोले खाए हैं, मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। रबड़ी पहली बार इसके अंदर खाई है मैंने, ये हम लोगों ने कभी। ये हमारी रबड़ी अलग प्योर और हरी मिर्च की कड्डी है, ये बहुत चलती है हमें। अब आप क्या खाने जा रहे हैं हम लोग? ये आपको खिला रहे हैं बनाना का गोलगप्पा। बनाना गोलगप्पा, ये देखिए। पहले क्या बना रहे हो? अब केसर बना रहे हैं। केसर बना, ये दूध में बनता है। ओके, क्या क्या जाएगा इसमें? दूध, दूध, बर्फ, दूध। कहाँ चला गया इतना दूर? ये क्या क्या है? एक ये गोलगप्पे हैं, हाँ। ये गुलाब का है, बनाना का है, मिर्च मसाला का है, हाँ। और ये पाइनएप्पल का है। अच्छा। अब इसके अंदर पपड़ी डाली हुई है, बेसन पपड़ी। अच्छा। इसके अंदर प्याज डालते हैं, ये प्याज डाला है। हम इसको बोलते हैं गोलगप्पा स्पेशल। इसके अंदर कड्डी डालते हैं। एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पिचका क्यों कहा जाता है गोलगप्पे को? यहाँ गोल हर देश की भाषा अलग अलग है। अच्छा जी। कहीं कहीं पकौड़ी बोलते हैं, कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं गोलगप्पे बोलते हैं। और बीकानेर में भी एक जगह का नाम, एक चीज़ का पांच पांच छः नाम लेते हैं। कहीं पकौड़ी बोलते हैं, कहीं गुलाब चॉकलेट बोलते हैं। और ये है आलू का मसाला, अब इसको आप खाओगे तो मस्त लगेगा। ये यार पहली बार देखा मैंने कि कड़ी डाल के कोई पानी पूरी बना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही बिकता है। अच्छा, हमने जो आज तक खाई है पानी पूरी, उसमें पानी खट्टा मीठा पानी हो गया, इमली का पानी हो गया, ये सब होता है यहाँ पे। मेन कड्डी का ही खेल है। अच्छा, कड्डी हरे से बनती नहीं है, इसे मस्त। वाह, पहली बार तो कड़ी वाला भी पहली बार हम पानी पूरी कड़ी वाली पानी पूरी कभी ट्राई नहीं की मैंने। सच इसके ऊपर हम बीकानेर मुझे भी दे सकते हैं, पर देते नहीं, इसलिए देते हैं। अच्छा, आपको कड्डी दिखानी है इसलिए कड्डी का। ओके, ये एक नया फ्लेवर है, अभी काफ़ी बड़ा खाने में दिक्कत है। ट्राई करेंगे? हाँ, ऐसे में सच में धर्मेंद्र जी का बहुत अच्छा टेस्ट है। अब आइएगा जरूर एक बार ट्राई करके, अगर आप बीकानेर आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करिए। सीरियसली आप निराश होके तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। अब आप क्या खाने जा रहे हैं हम लोग? ये आपको खिला रहे हैं बनाना का गोलगप्पा। बनाना गोलगप्पा, ये देखिए। ये नॉर्मल पानी, ये कौन सा पानी है? ये नॉर्मल पानी है जी। जैसे लोगों ने क्या है कि पांच फ्लेवर की मशीन बना रखी है जी, जी, जी। तीन तरह की, चार तरह की जी जी। तो अब हम एक ही मटकी में से आपको 10 तरह के टेस्ट करा सकते हैं, 20 तरह के टेस्ट करा सकते हैं, 100 तरह के टेस्ट करा सकते हैं। समझ गया, आपने गोलगप्पे को ही गोलगप्पे पानी 10 तरीके का बना दिया। ये है दिमाग, ठीक है। देख पा रहे हैं हम, यहाँ लोग पानी अलग अलग बना रहे हैं, गोलगप्पे ही अलग बना दिए गए हैं। क्या टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। नो डाउट, बहुत प्यारा। ये है बनाना का, ये स्ट्रॉबेरी का, ये स्ट्रॉबेरी। क्या बनाने सर हम? अब आपके लिए सिर्फ कांजी बड़ा बना रहे हैं, मस्त कांजी बड़ा। आओ लगते हैं आपको। क्या होता क्या है वैसे बेसिकली कांजी बड़ा? कांजी बड़ा होता है ये राई और इनका पानी होता है। अच्छा। और इसके अंदर हम ये हरेक से बैठा नहीं जाता, हरेक से काम होता नहीं। कांजी की एक बनाने की कला हरेक के हाथ में नहीं है, और इसको चार दिन तक खराब नहीं होता है कांजी बड़ा। ये फर्मेंट किया जाता है राय के पानी को। हाँ, अभी तो हम क्या है कि जैसे मटकी में रखते हैं ये थोड़ा सा जब मट्टी के बर्तन में रखा जाता है। हाँ, अभी तो हमने लेके आए ना, अभी डालेंगे इसके अंदर। ये है कांजी बड़ा। आपका वो
मोदी के बारे में प्रचार भी आपने कुछ ऐसा किया था? मैंने मोदी नाम का दही बड़ा बनाया था। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में न्यूज लगी चली थी खूब। अच्छा, वायरल हुए थे वो। हाँ, और मोदी नाम जब जीत हुई थी उस टाइम मैंने लड्डू बनाए थे, आधा हरा और आधा केसरिया, बीजेपी के कलर का लड्डू जीत के बाद में। और माथे में भी नाम लिखवाया था मोदी नाम का, 3 मई मोदी को बिकाने तब। मेरे को शौक है, करता चलो ठीक है। अब गांधी वड़ा हम टेस्ट करते हैं। चलिए, अग्रवाल कैटरर्स के धर्मेंद्र जी के पास हम गए हैं, उनके ही सामने गोपाल जी के पास, जो कि हमें सोडा पिलाएंगे बहुत ही अलग अलग तरीके के। एक जीरा सिप और बना दो। एक जीरा सिप, जीरा सिप बनाऊँ क्या? जीरा सिप का वीडियो है। लेमन बड़ा आ गया। लेमन जीरा सिप भी है यार, स्पेशल एकदम जीरा सिप। अकाउंट आ रही है क्या? ये सबसे बेस्ट जीरा सिप, स्पेशल जीरा सिप है, एकदम टॉप क्लास का है, जबरदस्त चीज़ है। ले लो, ये रेडी है। इधर ही इसके अलावा अपने पास मिल जाएंगे, शेक है, मोजिटो है, मॉकटेल्स है। ये चलते हैं मॉकटेल में, इतने फ्लेवर हैं, मोजिटो में भी है, सब सब मिलेगा। मोजिटो, मॉकटेल, शेक, ये सब मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, ऐसा फ्लेवर बहुत आता है। मगर अब यहाँ पे जितने 60-70 के तरह के बनते हैं, तो 60-70 तरह की बनाते हैं ऐसे, नहीं तो 300 एक तरह के फ्लेवर आते हैं, वो भी बना सकते हैं। ज़्यादा उससे मस्त आपकी वो आवाज़ सोडे वाली उसके। एक थोड़ा सा इनका भी लेना सर। यही एक मेन चीज है, पूरी गली के बाहर तक आवाज आती है। ये सोडा है, ये बंटे वाला सोडा है, और इसमें क्या है कि एकदम सोडा कड़क आता है। अच्छा, और इसमें क्या पीने का मजा भी एकदम मजा आएगा। लो जीरे वाला आ जाओ भैया, ये जल्दी पी लेना, ठीक है? थोड़ा बाहर आएगा, हाँ ला दूंगा, आप छोड़ दो पीछे ले लो। ये देखिए ये हमारा ग्रीन वाला, सच में काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ अगर आए हैं जेल रोड पे और गोपाल जी का जो ये सोडा नहीं पिया, तो फिर आपने कुछ भी नहीं पिया। एक बार आइए, ज़रूर पीजिए इसको, अल्टीमेट टेस्ट। चलिए, बीकानेर के अंदर खाने की खोज करते करते सबसे आखिर में हम पहुंच गए हैं चुन्नीलाल तंवर जी के पास। इनके खुद के बनाए हुए शरबत सिर्फ बीकानेर में ही फेमस नहीं है, पूरे राजस्थान में इसकी मांग है बहुत ज़्यादा। इन शरबतों को हम भी टेस्ट करते हैं और आप सबको बताते हैं इनके बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स। सबसे पहले क्या बना रहे हो? अब केसर बना रहे हैं। केसर बना, ये दूध में बनता है। ओके, क्या क्या जाएगा इसमें? दूध, दूध, बर्फ, दूध, ये केसर का एसेंस, ये सारे एसेंस जो ये वो सब अपने घर के नेचुरल है, एकदम नेचुरल। ओके, ये केसर दो ही चीजें, केसर का ये और दूध, बर्फ, केसर, बर्फ। सच में काफी अच्छा फ्लेवर है इसका।
प्योर एकदम केसर का फ्लेवर आ रहा है। घर पे आ जाएंगे लेकिन 5-6 दिन लगेंगे। हाँ सर, अब बताइए आप कहाँ से है और ये कहाँ से आपको आइडिया आया, किस चीज़ ये सब? ये हमें आइडिया नहीं, हमारे पिताजी का है। ये सन 1939 से तब से प्रक्रिया चल रही है। सारी चीज़ें अपन अपने खुद ही बनाते हैं सर, कुछ भी बाहर से नहीं आता। नहीं, बाहर से तो सारी चीज़ें बाहर से आनी है। अच्छा, जो जहाँ चीज़ पैदा होगी उसका एक्सट्रैक्ट है ये। रास्ता में होता क्या है, जैसे कि केसर बाहर से आता है, केसर कश्मीर से आनी है, केवड़ा जो है उड़ीसा से आता है, बेला है आपके कानपुर के पास, कन्नौज है वहाँ से आता है, हर जगह की अलग है। जैसे जी बनता है हमारे यहाँ बरियाली बनती है, सौंफ जिसको बोलते हैं, पूजा की होती है। जैसे अगर आपको यहाँ पे आना चाहे तो कैसे आ सकता है, किस तरफ से कुछ आइडिया बताएंगे आने के लिए? पहले तो बीकानेर आओ, सबसे पहले तो बीकानेर आने के बाद कहाँ आना? रेलवे स्टेशन के हमारे पास ही आधा किलोमीटर दूरी पे है। जगह का नाम क्या सर? ये जेल रोड बोलते हैं, पुरानी जेल रोड है, पहले जेल हुआ करते थे, आजकल यहाँ पे नहीं है, पुरानी जेल रोड पे। काफ़ी अच्छा, मैंने भी पिया है इसको, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने आपका बेला का पिया, जैस्मिन ये अपना केसर का पिया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा। तो जरूर आइए, कारण अच्छे होते हैं, हमारी इसमें कोई विशेषता नहीं है। और आप भी अपने घर पे कुछ सब सभी चीज़ें अच्छी लेके बनाओ, अच्छा बन जाएगा, सोते बनेगा वो तो। और वैसे जो प्रचलन चल रहा है अभी मार्केट में वो सर आर्टिफिशियल का है बिल्कुल, और जितनी ज़्यादा झापते लगोगे उतनी ज़्यादा ख़राब होगा कोई चीज़। ये तो था बीकानेर शहर का फूड टूर। अब हम गाड़ी को वापस रिवर्स में चलाते हैं और दूसरे शहर की तरफ निकलते हैं, जहां आपको और अच्छे अच्छे जायके और अच्छे अच्छे शरबत भी दिखाएंगे। अगर आप भी अपने रेस्टोरेंट या फिर होटल में मुझे बुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन कर दिया है। अब मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।